मित्रों, कुछ मीडिया के अंदर एक भ्रामक समाचार कुछ नेताओं के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि बिहार के जमालपुर में रेलवे का जो सबसे पुराना प्रशिक्षण संस्थान है, जो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के नाम से जाना जाता है, जो 1888 में स्थापित किया गया था और देश का पहला रेलवे के लोगों को प्रशिक्षित करने का संस्थान है, और यह प्रचार किया जा रहा है कि इसको बंद किया जा रहा है या इसको लखनऊ शिफ्ट किया जा रहा है। मैंने इस संबंध में आज ही शाम को भारत के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा यह समाचार पूरी तौर पर भ्रामक है, बेबुनियाद है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस संबंध में पत्र उनको प्राप्त हुआ है, इसका कल वो जवाब भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंद करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, बल्कि बड़ौदा के अंदर रेलवे और ट्रांसपोर्ट विश्वविद्यालय जो है उसकी एक शाखा के रूप में, उसके कैंपस के रूप में जमालपुर को विकसित किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में बिहार के और अन्य राज्यों के नौजवानों को और रेलवे के विभिन्न जो संकाय हैं, मैकेनिकल, टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल आदि जो इंजीनियरिंग सेल है, उसका वहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। मित्रों, पिछले दिनों बिहार के 362 डॉक्टर अपनी ड्यूटी से नदारद पाए गए, ऐसे डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। मित्रों, कोरोना संक्रमण के संकट की घड़ी में अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि मैं गरीबों की सेवा नहीं करूंगा, मरीजों की सेवा नहीं करूंगा, अगर कोई पैरामेडिक यह कहे कि मैं संक्रमित हो जाऊंगा और उसमें सेवा नहीं करूंगा, तो ये उचित नहीं है। क्योंकि अगर कल सैनिक यह कहने लग जाए कि मैं सीमा पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं कश्मीर में नहीं जाऊंगा, मैं चीन से युद्ध में भाग नहीं लूंगा, तो जिस प्रकार से कोई सैनिक सीमा पर जाने से और लड़ने से इनकार नहीं कर सकता है, वैसे हमारे डॉक्टर जो हैं वो इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो संक्रमण का मुकाबला करने के लिए और अपनी सेवा नहीं देंगे, मदद नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि अधिकांश डॉक्टर और पैरामेडिक पूरी जी जान से लगे हैं, और उसे बिहार सरकार ने 1 महीने की अतिरिक्त तनख्वाह देने का भी ऐलान किया था, लेकिन कुछ डॉक्टर जरूर हैं जो इस संकट की घड़ी में भी और अनुपस्थित हो रहे हैं। इसलिए मैं उनसे अपील करूँगा, एक सैनिक के समान अपने धर्म का पालन कीजिए और इस संक्रमण का मुकाबला करने में राज्य सरकार का सहयोग कीजिए। मित्रों, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना पार्टी का जो मुखपत्र सामना है, उसके अंदर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी की है, यह अत्यंत निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, और मैं अपील करूँगा महाराष्ट्र की सरकार से और शिवसेना के नेताओं से कि आपदा की इस घड़ी में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो मुंबई में और महाराष्ट्र में जो बिहार के लोग फंसे हैं, उनके लिए जितनी ट्रेनें वो चलाना चाहेंगे हम उनकी स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं और आगे भी हम स्वीकृति प्रदान करेंगे। इसलिए श्रमिकों की वापसी के मुद्दे पर कोई आरोप प्रत्यारोप, कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, और इसलिए मैं फिर से एक बार शिवसेना की जो महाराष्ट्र जिसमें कांग्रेस भी शामिल है उस सरकार से मैं अपील करूँगा, क्योंकि ये प्रचार किया गया कि बिहार सरकार स्वीकृति नहीं दे रही है। जितने भी ट्रेनों का प्रस्ताव आया महाराष्ट्र से, हम लोगों ने स्वीकृति देने का काम किया और आगे भी हम स्वीकृति देंगे। इसे मैं अपील करूंगा उद्धव ठाकरे जी से कि श्रमिकों की वापसी के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मुझे तो कई बार लगता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकने में विफल रही है और जितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग संक्रमित हुए हैं, कहीं उसे ध्यान बांटने की कोई कोशिश तो नहीं की जा रही है। तो इसमें फिर से एक बार अपील करता हुआ, जो भी महाराष्ट्र में फंसे हुए बिहारी हैं, वो जो भी बिहार आना चाहें उनका स्वागत करेंगे, हम उनकी हर प्रकार की व्यवस्था करेंगे, इसलिए इस मुद्दे पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मित्रों, बिहार, यूपी और देश के अन्य राज्यों के लाखों श्रमिक जो देश के अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको अपने अपने राज्य में भेजने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की, और उसी का परिणाम है कि अभी तक 50 से ज़्यादा ट्रेन बिहार पहुंच चुकी है, और आगे आने वाले दिनों के अंदर हर राज्य से ट्रेनों का यह सिलसिला जारी रहेगा। तो जहाँ एक और श्रमिक बिहार आ रहे हैं अन्य राज्यों से, वहीं
भारत के बाहर अन्य देशों में फंसे जो श्रमिक हैं, अन्य भारतीय हैं, उनको लाने का भी वंदे भारत मिशन के नाम से, और प्रधानमंत्री जी ने मिशन प्रारंभ किया है, और ख़ास करके खाड़ी के देशों से जो लाखों लोग भारत आएंगे उसके अंदर बिहार के भी 10,000 से ज़्यादा लोग सिवान, गोपालगंज, छपरा के लोग होंगे, हम उनकी भी व्यवस्था करेंगे, उनकी भी हम चिंता करेंगे। और गया एयरपोर्ट पर चार्टर प्लेन या विशेष प्लेन जो है उनसे वो सारे लोग यहाँ पर आएंगे। तो मित्रों, कल जो लोग मजाक करते थे और कहते थे कि 500 बस भेज देंगे, 50 ट्रेन का किराया दे देंगे, क्या वो ये दावा करेंगे कोई चार्टर प्लेन भेजने वाले खाड़ी के देशों से लोगों को बुलाने के लिए? तो मित्रों, नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ये गरीबों के दुख दर्द को जानती है, और इसलिए जो भी बिहारी, चाहे वो बिहार के बाहर हो कहीं फंसा हुआ या हिंदुस्तान के बाहर हो, एक एक व्यक्ति को जो आना चाहते हैं उनको लाने की जिम्मेवारी हमारी है, और हम उनकी पूरी चिंता करेंगे।